हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 का ईवीएस का लेसन 6 फ्लावर्स की रीडिंग करवाऊंगी। अगर आपको ईवीएस बुक्स की बाकी लेसन्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 4 ईवीएस की बाकी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, बुक वर्क चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। तो अब हम रीडिंग करते हैं। फ्लावर्स के बारे में हमने रीडिंग करनी है। फूल फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स जो है वो प्लांट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स बियर फ्लावर्स, अधिकतर प्लांट्स फ्लावर्स बियर करते हैं। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स इन ऑल सीजन, सम प्लांट्स बियर फ्लावर इन ऑल सीजन। कुछ प्लांट्स, कुछ फूल्स ऐसे होते हैं जो ऑल सीजन्स में फ्लावर्स, मतलब उनके पेड़ों पे ऑल सीजन, पूरे सीजन फ्लावर्स होते हैं, जैसे रोज एंड जैस्मिन। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स ओनली इन विंटर सीजन लाइक फ्रॉक्स। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सिर्फ विंटर में ही फ्लावर होते हैं, जैसे फ्रॉक्स, स्वीट पी एंड पेंसी। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स ओनली इन समर लाइक हिबिकस, जकरंदा एंड सनफ्लावर्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ गर्मियों में फ्लावर होते हैं, जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल, क्योंकि सन, सूरज गर्मियों में होता है तो वहाँ से सनफ्लावर हम लर्न कर सकते हैं। वेरी फ्यू प्लांट्स लाइक फर्न्स, पाइन ट्री एंड एरोकारिया, एक्समेक्स ट्री डू नॉट बियर फ्लावर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मतलब फूल नहीं होते, जैसे पाइन ट्री है, एरोकारिया है, उनमें फ्लावर नहीं होते। तो हम यहाँ लर्न करेंगे ऑल सीजन फ्लावर्स हैं, रोज जैस्मिन, विंटर सीजन फ्रॉक्स, स्वीट पी एंड पेंसी, समर सीजन है हिबिकस, सनफ्लावर नॉट बियर फ्लावर है पाइन ट्री एंड एरोकेरिया कारिया। आगे देखिए, फ्लावर्स वेरी इन साइज शेप कलर एंड सेंट। फ्लावर जो है अलग अलग साइज आकार रंग और सेंट के होते हैं, उनकी जो खुशबू अलग अलग होती है। दे मे ग्लो सिंगली ऑन अ स्टेम और इन बंच। दे मे ग्रो, वो या तो अकेले पैदा होते हैं या शाखाओं में पैदा होते हैं, या तो स्टेम के साथ होते हैं या फिर शाखाओं में। सम फ्लावर्स आर स्वीट स्मेलिंग, कुछ फ्लावर्स की स्वीट स्मेल होती है। फ्लावर्स आल्सो प्रोडक्ट अ स्वीट लिक्विड कार्निकेटर। फ्लावर्स के अंदर एक स्वीट लिक्विड, मतलब जो स्वीट लिक्विड तरल पदार्थ होता है उसको निकेटर कहते हैं। अ फ्लावर हैज मैनी पार्ट्स, फ्लावर्स के कई सारे पार्ट होते हैं। और अटैच टू अ स्वेलोन बेस, वो सारे के सारे स्वेलोन बेस से अटैच होते हैं, जिसको हम कली कहते हैं। ये हमारी कली होती है, ये स्वेलन, स्वेलन में सूजा हुआ पार्ट होता है। फ्लावर की जब ये ओपन होती है तो ये फूल की तरह बन जाती है। अब जब ये ओपन होगी तो इसकी पंखुड़ियाँ खिलेंगी, पेटल्स खिलेंगी, इसके सेपस, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये तो स्टेम हो गई। जो ये वाला पार्ट होगा ये हमारा सेपस होगा, मतलब जो स्वेलन पार्ट्स है इसके साथ फ्लावर्स के बहुत सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, अ फ्लावर हैज स्वेलन बेस से अटैच होते हैं। द आउटर ग्रीन पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। जो आउटर ग्रीन पार्ट होता है, जो ये बाहरी ग्रीन पार्ट होता है, ये तो स्टेम होती है। जो ये वाला ग्रीन पार्ट होता है, जैसे ये स्टेम के साथ जो ये वाला ग्रीन पार्ट होता है, इसको हम सेपल्स कहते हैं। द फ्लावर्स फर्स्ट अपियर्स एज अ बर्ड, सबसे पहले जो फ्लावर है वो एक कली की तरह होती है। जैसे फ्लावर जब मुरझाया हुआ होता है, मतलब खिलने से पहले वाला जो पार्ट होता है वो कली होती है, बर्ड होती है। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड बिफोर इट ओपन, जो सेपल्स होता है, जो इसकी ये वाला पार्ट होता है सेपल्स, ये वाला पार्ट है प्रोटेक्ट द फ्लावर, फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है बर्ड कली से, बिफोर इट ओपन, मतलब खिलने से पहले। अगर ये वाला पार्ट टूट जाए तो फूल नहीं खिलेगा। इनसाइड द बर्ड द इसके अंदर, कली के अंदर पेटल्स होती हैं, अ कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, जो कि फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है, मतलब जो कली है इसके अंदर फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है उसको पेटल्स कहते हैं। जैसे ये पंखुड़ियाँ हैं, जो इसके फूल के पत्ते होते हैं वो हमारे पेटल होते हैं।
आगे कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर आर टाइटली क्लोज टू टुगेदर, ये टाइटली एक दूसरे से इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं। जब ये बर्ड होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ग्रेजुअली द बर्ड ग्लो इन साइज, जैसे जैसे ये ग्लो करती है, ये कली ग्लो करती है, द पैटल्स ओपन इन टू अ ब्यूटिफुल फ्लावर, द पैटल्स जो ये पैटल्स हैं इसकी पंखुड़ियाँ हैं, जैसे ये पंखुड़ियाँ एक ब्यूटिफुल फ्लावर की तरह खिल जाती हैं। सम इन टू अ ब्यूटिफुल फ्लावर, इन सम फ्लावर्स द पैटल्स आर फ्री, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो पैटल्स से फ्री होते हैं, एंड इन सम दे आर ज्वाइन टूगेदर, और कुछ पैटल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक अंग होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही फूल का फूलों के द्वारा ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव होता है, पूर्ण जन्म होता है। एवरी फ्लावर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, प्रत्येक फ्लावर परागण गेन्स करते हैं अपने अंदर, विच लुक लाइक फाइन येलो डस्ट, जो कि फाइन येलो डस्ट की तरह दिखते हैं। जब भी आप फूल को देखोगे, जब ये फूल ओपन हो जाएगा, जब ये फूल ओपन हो जाएगी, इसके पेटल्स निकल आएंगे, तो जिस जो इसके अंदर येलो डस्ट होता है, आप कभी फूल को देखना ध्यान से, उसके अंदर एक येलो डस्ट होता है, वो पोलन गेन्स निकालता है अपने अंदर से, और इट आल्सो कंटेन्स टाइनी एग, और वहाँ पर छोटे छोटे टाइनी एग्स होते हैं, और जो फूल होता है उसका जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमन होता है, और जो फीमेल पार्ट होता है पिस्टल होता है, और पिस्टल की यहाँ पर ओवेरी होती है, ये पिस्टल की ओवेरी है, ओके, अंडाशय होती है, ओवेरी को हम अंडाशय बोलते हैं, जहाँ पर ये रिप्रोडक्ट करते हैं प्लांट का। फ्लावर्स डिवलप इन टू फ्रूट्स, फ्लावर फ्रूट में डिवलप करते हैं, फ्लावर्स फ्रूट कंटेन सीड ऑफ फ्रूट से बीज निकलते हैं, दे विच प्रोडक्ट्स न्यू प्लांट्स, जो न्यू प्लांट्स को प्रोडक्ट न्यू प्लांट्स को बनाते हैं। आगे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, फूल अलग अलग रंगों के होते हैं, शेप्स एंड साइज, अलग अलग शेप्स साइज रंग के होते हैं, सम आर वेरी स्मॉल, कुछ बहुत छोटे होते हैं, वाइल सम अदर्स आर वेरी बिग, जबकि कुछ बड़े होते हैं, सम फ्लावर्स आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव, कुछ फ्लावर्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते, यू हार्डली नोटिस देम ऑन प्लांट्स, तुमने प्लांट्स की तरफ देखा होगा, मतलब फ्लावर्स अलग अलग रंग आकार साइज होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे होते हैं जबकि कुछ बहुत ही बड़े होते हैं, सम फ्लावर्स कुछ बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते और कुछ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे रोज का फ्लावर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जबकि गेहूँ है इनके भी छोटे छोटे फूल होते हैं, मक्का हो गया, चावल हो गए, वीट हो गई, इनके फ्लावर्स अट्रैक्टिव नहीं होते। फ्लावर्स ऑफ राइस, वीट, कॉर्न, मैंगो आर वेरी स्मॉल एंड अनअट्रैक्टिव, जो गेहूं होती है, मक्का होता है, मैंगोस होते हैं, इनके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और अट्रैक्टिव नहीं होते। फ्लावर्स लाइक जीनिया, रोज, सनफ्लावर, पॉपी एंड आर कलरफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव, जो कुछ फ्लावर्स होते हैं, रोज हो गया, जीनिया हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये बहुत ही कलरफुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, दे हैव स्वीट और फ्रेग्रेंस इन दैम, उनके अंदर मीठी खुशबू होती है। सम कलरफुल फ्लावर्स आर सोन इन पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, कुछ फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। फ्लावर्स यूज इन एवरीडे लाइफ, फ्लावर्स का हम एवरीडे हर रोज की लाइफ में यूज करते हैं। फ्लावर्स आर यूज वर्ल्ड वाइड फॉर डेकोरेशन इन वेडिंग्स, फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फंक्शंस, दे आर यूज टू डेकोरेट टेबल इन होम्स एंड रेस्टोरेंट्स, मैनी वुमेन वियर फ्लावर्स इन देयर हेयर एज गजरा। फ्लावर्स का यूज शादियों में, फेस्टिवल्स में, धार्मिक जगहों में डेकोरेट के रूप में किया जाता है। दे आर यूज टू डेकोरेट टेबल्स इन होम्स, फ्लावर्स का यूज हम टेबल्स पे, रेस्टोरेंट की टेबल होती है, बड़ी बड़ी टेबल होती है, वहाँ गुलदस्ते के रूप में रखे जाते हैं। औरतें फ्लावर्स को गजरे के रूप में अपने बालों में लगाती हैं। फ्लावर्स आर यूज टू एक्सप्रेस द डीपेस्ट फीलिंग्स, फ्लावर्स का यूज हम फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। दे आर यूज एट वेडिंग टू सिम्बलाइज लव, फेथफुलनेस एंड लॉन्ग लाइफ, ये शादियों में प्यार का प्रतीक है, फेथफुलनेस का, लॉन्ग लाइफ का। फ्लावर्स आर आल्सो प्लेस्ड ऑन द ग्रेव्स एज द साइन ऑफ रिमेंबर्स एंड टेकन व्हेन मीटिंग समवन हु इज अनवेल, फ्लावर्स का यूज हम जब किसी कब्र पे जाते हैं, किसी की याद
करते हैं, किसी को याद करते हैं, उसकी कब्र पे जाते हैं। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि किसी की कब्र है, वहाँ पर लोग फूलों को लेके जाते हैं जब उनको उनकी याद आती है। और अगर कोई अनवेल है, कोई बीमार है, तब हम जब हम उससे मिलने जाते हैं, तब भी हम फूलों को लेके जाते हैं। फ्लावर्स आर आल्सो यूज इन वर्शिप। फ्लावर्स का यूज हम पूजा के लिए करते हैं। एंड आर ऑफर्ड इन प्लेसेज ऑफ वर्शिप, और भगवान को पूजा के रूप में ऑफर किए जाते हैं। परफ्यूम्स आर मेड फ्रॉम पेटल्स ऑफ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स सच एज रोज, जैस्मिन एंड मोगरा। परफ्यूम का यूज हम जो परफ्यूम बनाते हैं वो रोज की पत्तियां, जो रोज की पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, उसकी स्वीट स्मेल से, जैस्मिन मोगरा, इन सब की स्वीट स्मेल से हम परफ्यूम बनाते हैं। फ्लावर्स एड ग्रेटली टू द ब्यूटी ऑफ गार्डनर। जो फ्लावर्स होते हैं वो गार्डनर की ब्यूटी को बढ़ाती हैं, पार्क की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, और अदर लैंडस्केप एरिया की ब्यूटी को बढ़ाती हैं। फ्लावर्स लाइक कॉली फ्लावर्स एंड ब्रोकोली आर इटन एज वेजिटेबल्स। जो फ्लावर्स होते हैं उनको वेजिटेबल्स के रूप में हम खाते हैं। क्रोव्स आर द ड्राइड फ्लावर्स पार्ट्स ऑफ क्रोव्स ट्री। जो लौंग होती है वो जो लौंग का पेड़ होता है उसकी सूखी हुई कलियां होती हैं। जब ये कलियां मतलब जब फूल खिला नहीं होता, जो कली मतलब बंद होती है, खिलने वाली होती है, खिली नहीं होती, जो बंद होता है कली होती है वो होती है ये। जो क्लोव्स आर द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द क्लोव्स ट्री की सूखी हुई कलियां लौंग कहलाती हैं। दे आर यूज्ड एज स्पाइसी मसालों के रूप में यूज करते हैं। गुलकंद द मेन इनग्रेटेड ऑफ स्वीट पानी इज मेड ऑफ ड्राइड पेटल्स ऑफ रोज एंड शुगर। जो गुलकंद होता है उसमें हम रोज की सूखी पत्तियाँ और चीनी का यूज करते हैं। हनी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेक्टर सक बाय द बीज फ्रॉम द फ्लावर्स। जो शहद होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा फूलों से चूसा गया होता है। अमृत जो फूलों से चूसती हैं, मधुमक्खियाँ जो फूलों से अमृत चूसती हैं, उससे तैयार किया जाता है शहद। फ्लोर मोटिफ आर वाइडली पेंटेड ऑन क्लोथ्स, वॉल पॉट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ऑन सम फेस्टिवल फ्लावर्स आर डेकोरेट विद फ्लोर पैटर्न्स विद कार्ड रंगोली। जो फ्लोर मोटिफ होते हैं मतलब पुष्प का रूपकान होता है, उनका यूज हम दीवारों पे, चादरों पे, कई चीज़ों पे हम करते हैं, कपड़ों पे बनाते हैं, ठीक है। ऑन सम फेस्टिवल कुछ फेस्टिवल्स पे फ्लावर्स का यूज फर्शों पे रंगोली बनाने के लिए किया जाता है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्लावर्स। हम फ्लावर्स को कहाँ से प्राप्त करते हैं। सम पीपल ग्रो फ्लावर्स इन देयर गार्डन्स। लोग फ्लावर्स को गार्डन्स में उगाते हैं। अदर्स बाय देम फ्रॉम द मार्केट। कुछ लोग मार्केट से खरीदते हैं। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरलिस्ट। एक पर्सन जो फ्लावर्स को बेचता है उसको फ्लोरलिस्ट कहते हैं। द फ्लोरलिस्ट हैज फ्लावर्स फॉर ऑल पर्पज एंड ओकेजन्स। जो फ्लोरलिस्ट होता है वो हर पर्पज के फ्लावर्स, अवसर के फ्लावर्स रखता है। द फ्लोरलिस्ट गेट द सप्लाई ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम पीपल हु ग्रो देम टू सेल। जो फूल बेचने वाला होता है वो फ्लावर्स को जो लोग उगाते हैं बेचने के लिए उनसे प्राप्त करता है। सम फ्लावर्स आर इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। कुछ फ्लावर्स का आयात दूसरी कंट्री से किया जाता है। सच फ्लावर्स आर कॉस्टर देन अदर फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स दूसरे फ्लावर से बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। आगे हम बुक वर्क करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज ओपन प्लेलिस्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव अ नाइस डे। Thank you.